हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। आज मैं आपके लिए एक एजुकेशनल अपडेट लेकर आया हूँ। ये अपडेट है रिलेटेड टू 10th का रिजल्ट। ओके, SSC का जो रिजल्ट है इसके लिए आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार यहाँ पे फिनिश हो रहा है। कल आपका दैट इज 29 जुलाई 2020, जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को आप लोग का 1 बजे ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज maharizult.nic.in, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाइए, अपना सीट नंबर, अपने मदर नेम वहां पे इंसर्ट कर दीजिए और आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो। बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से ये रिजल्ट लगाया है, आप लोग देख सकते हो अपना रिजल्ट क्या है और किस तरह से आने वाला है। उसके लिए आपको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। उसके साथ साथ आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखने का है, जैसे कि अपना 11th का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हुआ है 26 जुलाई से, आप लोग को ये भी पता रहेगा। और इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां पे जाके आप लोग ने अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया रहेगा तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि 1st ऑफ अगस्त से आप लोग अपना फॉर्म नंबर 1 और अभी फॉर्म नंबर 2 भी भर सकते हो, क्योंकि अभी आपके हाथ में रिजल्ट भी आ गया है, तो आप लोग ये दोनों फॉर्म भर सकते हो। तो उससे रिलेटेड वीडियो में आने वाले दिनों में डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग को रजिस्ट्रेशन का टाइम हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है, तो आप लोग ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया रहेगा तो वो रजिस्ट्रेशन भी करो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग को जो रिजल्ट है ये ऑनलाइन दिखाई देगा, उसके बाद 10-15 दिन के बाद आप लोग अपना रिजल्ट स्कूल में जाके ले सकते हो, तो वहां पे आप लोग को 10-15 दिन के बाद एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है इसके लिए आप लोग अपना मार्क स्टेटमेंट जो आपको कल ऑनलाइन दिखाएगा उसका प्रिंट निकाल के आप लोग अपना एडमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ये भी अच्छी तरह से कर दो, ताकि आप लोग को 11th में एडमिशन लेने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके लिए भी कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो हमारे चैनल पे आ जाइए, आप लोग यहाँ पे हम लोग अलग अलग वीडियो बना के डाल देते हैं, जिससे आप लोग का ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन एडमिशन का ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।